में जमकर चले लाठी डंडे, जहां दबंगों ने महिलाओं पर डंडे बरसाए हैं। आपको बता दें कि बचाव में युवतियों ने दबंगों पर लाठियां चलाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी कोतवाली के सरानी गांव का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पहले बदमाशों ने हमला किया और बचाव में फिर लड़कियों ने भी यहां पर लट उठा ली और जमकर उसका सामना किया, डटकर। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये दरअसल उसी विवाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं। हालांकि कारण क्या कुछ रहा विवाद का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो जमकर लात घूंसे चले, और आप देखिए सिटी कोतवाली पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, और जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और निवाड़ी में फांसी के फंदे पर एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। औद्योगिक क्षेत्र में स्टोन क्रशर में काम करने वाला ये कर्मचारी बताया जा रहा है। कर्मचारी के शव के हाथ बंधे होने के कारण पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और जांच जारी है। तो वहीं परिजनों ने भी हत्या की आशंका जाहिर की है। उनका ये कहना है कि मृतक की हत्या की गई है, फांसी के फंदे से शव मिला है लटका हुआ, लेकिन हाथ बंधे होने के चलते ही पूरा मामला काफी संदिग्ध माना जा रहा है। तो वहीं खरगोन में यात्री प्रतीक्षालय के नीचे युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मेन गांव थाने के मगरिया फाटे के पास शव मिला है। दरअसल सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में हत्या या एक्सीडेंट, इन दोनों ही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और शव के पास से एक बाइक भी मिली है, और अन्य तथ्यों की जाँच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। खरगोन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और बढ़ते आगे, बालाघाट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाघ का शव बरामद हुआ है। वारासिवनी वन क्षेत्र के सावंगी गांव के पास चंदन नदी से बरामद बाघ के शव को एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बाघ के शव में शव से पैर के पंजे सहित अन्य अवशेष गायब हैं। बहरहाल शिकार की आशंका की जाहिर करते हुए वन विभाग ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। टाइगर जो सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में है, और मुझे घर में बैठा था, मैं लोगों से मिल रहा था, जैसी खबर आई कि टाइगर की डेथ हो गई है, मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ पहुँचा। और चूंकि मैं खुद वन प्रेमी हूँ, मुझे जैसे पता लगा कि सावक शेर का बच्चा ही मर गया, काफ़ी दुख हुआ। की टीम आएगी, हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आएंगे, और हमने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, देखते जांच में क्या निकलता है। सर बाघ भी कुछ पंजे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी शव जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, और पोचिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो हम सारे एंगलों से जांच करेंगे। तो वहीं ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक घायल बदमाश सूरज तोमर की मौत हो गई। बेंगलुरु में 14 मार्च को ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश के दौरान इसे गोली लगी थी, और लूट की वारदात में असफल होने के बाद सूरज तोमर अपने 3 साथियों के साथ ट्रेन से ग्वालियर आया था, और यहां पर कर्नाटका पुलिस ने ग्वालियर पुलिस की मदद से इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। घायल को इलाज के लिए जयरोग अस्पताल भर्ती किया गया था। फिलहाल कर्नाटक पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु ले गई। इसमें अभी काफी समय से चल रहा है, उसमें एक एसआईटी भी गठित किया था। अभी सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार इसका विवेचना, दिन में इनका पूछताछ में और भी खुलासा हो जाएगा। और खबर गरियाबंद से, जहां पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए एक गांव में पानी की बड़ी ही समस्या है। यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण नदी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, तो वही प्रशासन भी इनकी समस्याओं को दूर करने में विफल साबित हो रहा है। और ये पूरा मामला गरियाबंद के आमा मोरा ओढ़ पंचायत का है, जहाँ पर इस वक्त ये समस्या हर ग्रामीण के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या वाकई इसके बारे में कोई कदम उठाया जाएगा आने वाले समय में या वर्तमान समय में, ये एक यक्ष प्रश्न यहाँ भी बना हुआ है। और गरियाबंद के लोगों का, खासकर इस पंचायत की अगर बात करें, जो नदी नाले का पानी, झरिए का पानी छान करके पी रहे हैं, जल जीवन मिशन की योजना आखिर कहाँ है इनके लिए।
और बात करेंगे खंडवा में कलेक्टर के निर्देश के बाद नर्मदा नदी पर बने मोर टक्का ब्रिज पर पेट्रोल और डीजल की टैंकर्स को रोककर उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। दरअसल 6 महीने पहले मोरटक्का पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था और पेट्रोलियम कंपनीज खंडवा और बुरहानपुर जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का हवाला देकर पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 1.38 रुपये ज्यादा वसूल रही थी। इस दौरान 20 टन के टैंकर्स को मोरटक्का ब्रिज से निकालने की अनुमति मिल गई, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोलियम कंपनीज ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं किया, बड़े ही दाम वसूले जा रहे। चेक करने पर पाया गया कि वहाँ पे गाड़ियाँ हमारे मोरटक्का पुल से आ रही थी, तो उनसे पूछताछ की गई थी और इस दरमियान ये सत्यापित हो गया है कि ये यहीं से आ रहे, तो उनके पेट्रोलियम सेल्स मैनेजर को बुलाया गया है और उनसे कुछ आज लिखवाया गया है और NHI को भेजा गया है। उम्मीद है कि NHI कल अनुमति जारी कर देगा इनको विधिवत, और इसके आधार पे जो हमारे खंडवा के लोगों को जो ज़्यादा वसूल किया जा रहा था 2-3 रुपये, उससे राहत मिलेगी। और कोरबा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। दरअसल मृतक का बड़ा भाई ही उसका हत्यारा निकला। मोबाइल को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था, भाई की गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी बड़ा भाई गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कोरबा में सराफा दुकान में चोरी का प्रयास किया गया, सेंध लगाकर चोरी की कोशिश की गई है। दरअसल संचालक की इस दौरान नींद खुल गई और जब वो नींद खुलने की वजह से उसने कुछ हरकत की तो चोरों को इसका पता चला और वे फिर भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कटघोरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में छात्रावास का कर्मचारी निलंबित कर दिया गया, अभद्र व्यवहार के चलते इस पर एक्शन लिया गया। देखिए कर्मचारी अनिल कुमार पैकरा को निलंबित किया गया है। सीतापुर प्री मैट्रिक छात्रावास का मामला है, छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर आरोपी पर बड़ा एक्शन लिए और आरोपी को निलंबित किया गया। बात धमतरी की, जहां पर चाकू से हमले के आरोपी को सजा मिली। आरोपी ऑटो चालक को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल शराब पिलाने से मना करने पर इसने चाकू चला दिया था शख्स पर और अपर सत्र न्यायाधीश ने इस पूरे घटनाक्रम में जिरह सुनने के बाद अब फैसला सुनाया है। और खबर उज्जैन से, जहां नोटों से सजा महादेव मंदिर 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है। मंदिर में नोटों से किया गया श्रृंगार, चर्चा में उज्जैन बड़नगर का महादेव मंदिर। रतलाम की तर्ज पर व्यापारी छोड़ गए रुपए, मंदिर में सुरक्षा कर्मी भी नहीं है। और ये देखिए किस तरीके से पूरे मंदिर को नोटों से सजा दिया गया है। तो नोटों से सजा है महादेव का मंदिर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। तो वही उज्जैन में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माँ पार्वती के विवाह के बाद अब रिसेप्शन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। असल ये रिसेप्शन मंगलवार 19 मार्च को होने जा रहा है, जिसके लिए महाकाल के भक्त शहर भर में निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। दरअसल महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। शिव नवरात्रि के बाद उज्जैन में शिव विवाह का रिसेप्शन दिया जा रहा है और इसके लिए बाबा महाकाल मंदिर शयन आरती भक्त मंडल ने शहर भर में शिव विवाह की पत्रिका और पीले चावल देकर निमंत्रण दिया। सामान्य तौर पर हर घर में शादी का उत्सव जब मनाया जाता है तो वैसा ही उत्सव भगवान शिव के लिए यहाँ पर उनके भक्त मना रहे हैं। 19 मार्च को बाबा महाकाल के लिए बारात निकाली जाएगी। इस बारात में भूत प्रेत देव देवी और हजारों श्रद्धालु भक्तगण शामिल होंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र भोलेनाथ भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिनके भक्त देव भी हैं और दानव भी। सबको परिवार के साथ।
ये 24 साल हो गए भगवान का, ये नगर रोज के इसे हमारी भावना थी कि भगवान शंकर का शिवरात्रि ब्याह हो गया। आज हमारे घर महाकाल सेनाती परिवार, उनको दोनों माँ भगवती को और भगवान शंकर को बुलाने की हम आज हमारे घर भोजन करने आए हैं, और आपके साथ जो भी आएंगे उनको सबको भोजन करेंगे, जो भी मतलब पूरा नगरवासी वो आएंगे और यहाँ भोजन करके जाएंगे, और दूल्हा दुल्हन इस रूप में यहाँ बैठे रहेंगे, लोग वहाँ आशीर्वाद देने जाते हैं पर यहाँ आशीर्वाद लेने आएंगे, दूल्हा दुल्हन इस रूप में आशीर्वाद देंगे। हमने इसकी तैयारियाँ तो 8 दिन हो चुके हैं तैयारी के, कल से भोजन प्रसादी का काम चालू हो जाएगा और नगर में से पूरे होती हुई वो भी बारात आएगी, उस बारात का स्वागत के लिए हमने एक दिन पहले सू पॉलिश वाला है, प्रेस वाला है, शेविंग वाला है, जो जिस एक अपने घर में जिस तरह की शादियां होती है इस तरह की बाबा की शादी का हम रिसेप्शन करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।